एक बार फिर से बोल देंगे। देखो, इलेवेंथ वाले से आयनिक आ रहा है, ट्वेल्थ वाले से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, ORM 1 2 आएगा, और इलेक्ट्रो में सेक्शन डी तक, और हाइड्रोलिसिस आएगा। ठीक है, ओके सर, ओके चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन से। स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2 डिस्कस करना है हमको। हाँ सर। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बोलिए सारे डाउट्स एक बार बोल दीजिए। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 2 के देन बन पाए सेकंड कौन कौन सा? 12 और 19 सेवन सेकंड 2 7 12 19 11 में भी डाउट है। हाँ हाँ बोलो। और सर 12 जो लिखे हुए हैं इनके अलावा कुछ डाउट आते हैं तो वही बोले। सर 8th में सर बस। हाँ सर 8th सर। 8th। हाँ, और बस यही है? और कोई डाउट है? चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन इनिशियली पीएच इक्वल टू 0 टू न्यूट्रलाइज टू पीएच इक्वल टू 7। क्या बोला है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना चेंज हुआ होगा? तो पहले देखो, स्टार्टिंग में पीएच कितना था? 0, मतलब एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ होगा वन बताओ। पीएच 0 है तो 1। वन फिर बाद में पीएच कितना हो गया? बाद में पीएच हो गया टेन 7, मतलब एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रेज गया? टू माइनस सेवन माइनस सेवन -7। ठीक है, हाउ मच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन सॉल्यूशन इनिशियली इज टू दिस। ठीक है, पोटेंशियल में अब कैसे चेंज हुआ होगा? अब देखो, हमको कुछ बोला ही नहीं है इसने। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो हम लोग क्या बोलेंगे फिर? रिडक्शन रिडक्शन की बात करते हैं तो पहले इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं कि भैया मान लीजिए कि H प्लस आयन होगा, 2H प्लस, जो रिड्यूस होके H2 गैस में चला जाएगा, है ना? तो इसका E सेल कैसे निकलेंगे? E नॉट सेल, जो कि 0 होगा, हाइड्रोजन का E नॉट सेल 0 होता है, -0.0। फिर आगे क्या आता है? 591 बाय लॉग लॉग 1/H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा। बोलो। हाँ सर। तो ये आएगा E सेल इज इक्वल टू 0 -0.0591 बाय 2 लॉग 1। और एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लॉग 1 क्या हुआ है? जीरो तो E सेल आ गया 0। अब वो 10^-7 पर चला गया है ना, 10^-7 पर चला गया है। तो देखो, E सेल इज इक्वल टू आएगा 0.0591 बाय 2 लॉग 1/10^-7 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा? E सेल इज इक्वल टू -0.0591 बाय 2, ऊपर आ जाएगा ये लॉग में 14, ऐसा होगा। तो E सेल इज इक्वल टू क्या आएगा? -7 × 0.0591, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो ये कितना आएगा? -7 × 1 7, 7 × 9 0.41 6, 7 × 5 कितना होगा? 35 × 6 41 है ना।
तो देखो पहले यही आएगा क्या? हाँ सर यही है। तो देखो जीरो से ये चला गया, मतलब डिक्रीज हुआ है 0.41 से। बोलो। हाँ सर। सर अगर क्वेश्चन में सर कुछ मेंशन नहीं होगा तो सर रिडक्शन ही लेना है ना? हाँ रिडक्शन ही मानेंगे, क्योंकि अब रिडक्शन ही मानेंगे, घुस दिया नहीं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में क्या बोला है? A solution containing one mole per liter of each. सभी का one mole per liter है, मतलब सभी का concentration कितना है? 1 m. One mole per liter का मतलब सभी का concentration 1 m दे रखा है। ये भी 1 m है, ये भी 1 m है, ये भी 1 m है, क्योंकि one mole per liter है। Is being electrolyzed by using inert electrode. The value of standard potentials in volt in reductions. अच्छा सबका दे रखा है, इन तीनों का, एमजी का भी दे रखा है बीच में, पता नहीं क्यों। ठीक है चलिए। विद इंक्रीज वोल्टेज द सीक्वेंस, क्या बोला है? मैं ढंग से पढ़ने तो मैं खुद ही भूल गया क्या बोलना चाह रहा। सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रो। चलिए अच्छा, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि हमने एक ही में ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स रख दिए, एक ही में ही सब कुछ है, मतलब एक ही में ही कॉपर 2+ है, इसी में ही Hg2+ है, इसी में ही Ag+ है, इसी में ही NO3- है ना, ये चारों एक ही में, समझ गए? अब हमको बोला है क्या कि इनके देखो, अब इनके सभी के पोटेंशियल दे रखे हैं और ऑप्शन हमको दिया है। अच्छा Mg का भी डेटा दिया है, बट Mg एज ए इलेक्ट्रोलाइट तो दिया ही नहीं, और ऑप्शन में भी Mg है। सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए नहीं, रुको, एक Mg का भी डेटा दिया है और ऑप्शन में भी Mg दिया है, तो मान लो Mg2+ भी इधर है ना, मान लो, मानने में क्या जा रहा है। अब देखो सभी का, अब ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे कैटायंस है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दिया। सारे के सारे कैटायंस है, कैटायंस किधर जाते हैं? कैथोड की तरफ, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन तो सभी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, जैसे एजी प्लस से एजी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा बोलो? 0.8। 0.8 प्लस हो जाएगा वो, ऐसे ही Hg2+ से Hg का लिखेंगे तो माइनस 0.79 प्लस में आएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस से वो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर 2+ से कॉपर का लिखेंगे तो 0.34 हो जाएगा, और ऐसे ही Mg2+ से Mg का लिखेंगे तो 2.37 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी में रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे पहले कौन जाएगा? Ag सबसे फर्स्ट नंबर पे जाएगा, Ag नहीं, H, हाँ सॉरी Ag, ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा। सेकंड नंबर पे Hg, Hg डिपॉजिट होगा सेकंड पे ये, देन थर्ड पे ये, देन फोर्थ पे ये। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस ऑर्डर में लिखे हुए हैं क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा, मतलब अब क्वेश्चन का मतलब ये समझा, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी होगा, ए नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सर एमजी का इसमें मेंशन नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट। हाँ एमजी इसमें मेंशन नहीं है, मुझे लगा सारे ऑप्शन में होगा, मैंने दिया नहीं, समझ गए? हाँ सर। अब है 11, 12, अच्छा 8 भी है, 8 के बाद 11, 12 है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में क्या बोला है? अरे ये तो फैक्चुअल है, ये देखो उसमें होगा रिएक्शन लिखा हुआ कि कैथोड एनोड पर क्या रिएक्शन होता है। पढ़ लेना एनसीईआरटी में, ठीक है सर? सर हाँ सर, 9th वाले में सर ग्रीन डिपोर्शन और बैटरी टर्मिनल वाला ऑप्शन में सर उसमें कॉपर का मान है क्या सर, बैटरी टर्मिनल? क्या बोल रहा है? व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व्स कोरोजन ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन? हाँ हाँ हाँ, कॉपर वाले, ये टार्शनिंग जो होता है ना। हाँ सर, हाँ वही है, वही है। 11 में देखो क्या बोला है, क्लोरीन गैस इज पास इनटू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस दिस दिस,
क्लोरीन गैस को पास किया किसमें, एक में तो जिसमें एफ माइनस था, एक में जिसमें बी आर माइनस था, एक में आई माइनस, और एक में कुछ माइनस है ही नहीं। द इनिशियल कलर इन सी एच थ्री सी एल डीयर इज, अब देखो इसको इसमें पास करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसको इसमें पास करेंगे सी एल टू को बी आर में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट सी एल टू को आई माइनस वाले में पास करेंगे तो क्या होगा, सी एल माइनस खुद रिड्यूस हो जाएगा और आई टू को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि जो ज्यादा इसमें पावर होती है वो उसी फॉर्म में रहता है ना, एफ माइनस की फॉर्म में रहना चाहेगा बी आर सी एल के सामने, बी आर माइनस की फॉर्म में। हम उसके पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से भी देख सकते हैं कि कौन कहां पर आ रहा है अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, समझ रहे हो बात को मेरी? हाँ सर। तो यहाँ पर जो सी एच सी एल थ्री होगा उसके ऊपर वायलेट कलर का लेयर बन जाएगा, वायलेट कलर किसकी वजह से आता है, आई टू की वजह से। इनके कलर्स हम याद करेंगे बाद में क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो अभी के लिए मान लो कि वायलेट कलर इसमें आता है। तो ऐसा बोल ऐसा है कैसे कि क्लोरीन का ऑक्सीडाइजेशन पावर ज्यादा है इसलिए आई टू रिड्यूस हो जाएगा। हाँ 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 हा, ऐसा ही है। ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है ध्यान से देखना। आयनिक का कॉन्सेप्ट है इसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम का। अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियो एंड रेशियो, ठीक है। जब इनको सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए और सी एच थ्री सी ओ ओ एच को एक्स रेशियो वाई में लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है E1, और जब इनको y रेशियो x में लेते हैं तो हमारा पोटेंशियल आता है E2। द पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज, ठीक है। तो देखो बफर का फॉर्मूला क्या होता है, बफर का पीएच होता है पीके प्लस लॉग में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, यही फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू पीके लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। चलिए अब हम लोग एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालें, तो उसके लिए मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखता, मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, पीएच को लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ लॉग एच प्लस, पीके को लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ लॉग के, और इसको भी लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ लॉग, अब एसिड ऊपर चला जाएगा सॉल्ट नीचे आ जाएगा, ए फॉर एसिड एस फॉर सॉल्ट। तो डायरेक्टली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के ए इन टू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट, लॉग हटा दिया सब कुछ करके लिख सकता हूँ ऐसा। हाँ सर। तो पहले वाले केस में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, के जो मुझे पता लगाना है इनटू सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, देखो y बाय x, ये पहला वाला केस था जिसमें वोल्टेज E1 आता था, ये फर्स्ट वाला केस था है ना। और दूसरा वाला केस जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए H2 आएगा, उसमें भी एसिटिक एसिड तो के ही रहेगा क्योंकि सेम एसिटिक एसिड है, अब ये इंटू कर रहे हैं तो ये इंटू है ना, ये एक्स अलग है वो इंटू अलग है, तो ये अब एक्स अपॉन वाई हो गया है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंटरचेंज कर दिए एसिटिक एसिड और उसकी, इस केस में इसका वोल्टेज ई टू है, इतनी बात समझ आती है। अब देखो मैं पहली वाली इक्वेशन की हेल्प से क्या लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो कि जीरो होगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसलिए ई सेल इक्वल टू ई वन इक्वल टू E not cell जो कि जीरो है माइनस 0.05915 ही होता है ना डिवाइडेड बाय 2 log। अब इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिख रहे हो या फिर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, मान लो रिडक्शन की फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, नहीं 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 रिडक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है E1 and E2 are oxidation potentials लिखा हुआ है। हाँ सर। तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H2 गैस गिव्स 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर आएगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, वो क्या होगा Ka इनटू Y बाय X की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो देखो E1 का वैल्यू कितना आया माइनस में, हाँ रुको आराम से सोचो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, 591 log में K into Y by X, ये आया। अब सेम एज इट इज ऐसे ही मैं E2 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ माइनस में 0.0591 log में K into X by Y, ऐसे लिख सकता हूँ।
सब कुछ सही कर रहा हूं मैं? चलो अब हम लोग क्या करें, क्या करें क्या करें क्या करें? देखो ऐसा करते हैं हम लोग, एक्स बाय 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 एक्स ना, ऐसा करते हैं ई वन इज इक्वल टू, ऐसा लिखता हूं मैं इसको, ध्यान से देखना, नेगेटिव ऑफ 0.0591 लॉग के को अलग लिख दिया और नेगेटिव ऑफ 0.0591 लॉग वाई बाय एक्स को अलग लिख दिया, ऐसा लिख सकता हूं मैं? सेम ऐसे ही मैं ई टू में लिख देता हूँ माइनस 0.0591 लॉग के को अलग और माइनस में 0.0591 लॉग एक्स बाय वाई को अलग, ठीक है? अब देखो, अब वापस ध्यान से सुनना, अब मैं ई वन को क्या लिख देता हूँ, 0.0591 इंटू पी के ए, अंदर नेगेटिव लिया तो नेगेटिव लॉग के बन गया जिसको मैं पी के लिख देता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसा? हाँ सर। ऐसे ही E2 को मैं लिख देता हूँ सेम 0.0591 इंटू पी के, और इसको देखो प्लस में 0.0591 लॉग x बाय वाई की जगह y बाय x लिख दिया, ये इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.0591 इंटू पी के, ऐसा आएगा, तो पी के का वैल्यू क्या आएगा, E1 प्लस E2 अपॉन 0.118, आ गया आंसर? थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ही था, बाकी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं था। ट्वेल्व हो गया, 11 हो गया, 8 हो गया, लास्ट है 19। नाइनटीन में क्या बोला है, 19 में देखते हैं क्या होना है। कौन सा पिछला क्वेश्चन देखें एक बार, ले देख ले, तो उसके बाद नीचे वाला पर, हाँ ये ले, हाँ सर समझे, ठीक है चलिए सर। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन में ई नॉट सेल जीरो क्यों लिया हमने? क्योंकि उसमें बोला तो है क्वेश्चन में, देखो ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड, हाँ सर, एक सॉल्यूशन हाँ। है और इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जहां लेंगे वहां पर देखो, एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन हमने किया था, है ना, ऐसा कंस्ट्रक्शन हमने उसका किया था, और कंस्ट्रक्शन में हमने बोला था यहाँ पे तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, H प्लस आयन का एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो ये बफर सॉल्यूशन एक्चुअल में H प्लस आयन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, समझा? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, कहाँ गया, अ सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज्ड कर रहे हैं ना, H2SO4 क्या देगा, H प्लस आयन देगा और सल्फेट आयन देगा, और इसके अलावा उसमें वाटर तो हो गई। अब क्या क्या प्रोडक्ट हमें कैथोड और एनोड पर मिलेंगे ये हमने सोचना है, तो देखो सबसे पहले हम लोग कैथोड पर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, कैथोड पर कौन जाएगा, केटाइन्स, तो एक तो H प्लस आयन होता है और एक वाटर होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग किस का रिडक्शन होना चाहिए, H प्लस आयन का या वाटर का? H प्लस। देखो रिडक्शन किसी भी भाई कर लो, H प्लस का रिडक्शन करोगे तो भी H2 गैस ही निकलेगा, H2 का रिडक्शन करोगे तो भी H2 गैस ही निकलेगा, तो प्रोडक्ट तो हमें सेम मिलने वाला है, मतलब कैथोड पर प्रोडक्ट क्या मिला, H2 गैस, है ना? हाँ वैसे तो H प्लस का होगा मेरा, H प्लस का होगा मेरा क्या रिडक्शन। अब एनोड पर बात करते हैं, अब एनोड पर बात करते हैं, एनोड पर क्या चल रहा है,
ठीक है। अब एनोड पर क्या चल रहा है, एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर देखो अब इलेक्ट्रोड वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि हमें बोला ही नहीं है, तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड मान लेंगे, है ना, हमें कुछ बोला ही नहीं इलेक्ट्रोड किसका है, इनर्ट इलेक्ट्रोड मान लिया, ठीक है। अब एनोड पर देखो मैंने तीन पॉइंट्स बताए थे तुम्हें, फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोड है तो उसका कर दो, बट इलेक्ट्रोड तो हमारा इनर्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट एनायन को चेक करो, एनायन ऑक्सीडाइज हो सकता है या नहीं, तो एनायन देखो हमारा सल्फेट है, वो ऑक्सीडाइज एक्चुअल में तो नहीं हो सकता, बट हमारे को एक रिएक्शन दे रखी है उसके ऑक्सीडेशन की कि हाँ वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें लिखा हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या गिवन है, माइनस में 2.01 वोल्ट, ठीक है। और ऐसे ही वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए माइनस में 1.23 वोल्ट, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा क्या है, सल्फेट, वाटर, वाटर ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि उसका माइनस में कम वैल्यू, मतलब इजीली वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट के कंपैरिजन में, तो मेरा O2 गैस रिलीज होगा एट एनोड। तो एनोड और कैथोड पर मुझे पता चल गया कि भाई एनोड पर मेरा O2 गैस मिलेगा और कैथोड पर मेरा H2 गैस मिलेगा, तो एनोड और कैथोड पर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट क्या मिले, O2 एंड H2। तो पहले तो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स देखो, O2 एंड H2, चलिए मतलब मेरा आंसर या तो थर्ड होगा या फिर सेकंड होगा। अब कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 के बारे में क्या बोलेंगे, तो कोई मुझे सोच के बताओ क्या बोलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बताओ। डिक्रीज होगा, अरे डिक्रीज तो होगा, मतलब सॉरी आंसर क्या दिया है, आंसर इन्होंने सेकंड दिया है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्यों होगा ये बताना है, आंसर भी तुम्हें मैंने बता दिया, इंक्रीज होगा कंसेंट्रेशन H2SO4 का, क्यों होगा बस थोड़ा सोचो और बताओ मुझे। सर एक वो ऊपर का पार्ट दिखाइए, ले ऊपर का पार्ट देख ली, इतना ही है ऊपर का पार्ट, बोलो भैया जल्दी बोलो। देखो मैं बताता हूं तुम्हें कैसे सोचना है, मान लो एक कंटेनर था मेरे पास, उस कंटेनर में मैंने सॉल्यूट डाला H2SO4 और एक मैंने सॉल्वेंट डाला कौन H2, सॉल्यूट था H2SO4 जिसका कुछ भी नहीं हुआ, सॉल्वेंट था वाटर, अब वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर ही रिड्यूस हो रहा है, मतलब सब कुछ वाटर ही हो रहा है, वाटर मेरा टाइम के साथ काम हो रहा है ना, वाटर टाइम के साथ काम हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट टाइम के साथ काम हो रहा है, तो कंसेंट्रेशन क्या हो गया H2SO4 बढ़ेगी क्योंकि सॉल्वेंट काम हो रहा है ना, सॉल्यूट तो उतना ही है बट सॉल्वेंट काम होता है तो उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो बढ़ने वाला आंसर दे देंगे हम लोग, समझ गए सर। पर कैथोड पर तो H2SO4 का H+ यूज हो रहा है, कैथोड पर H2SO4 का H+ यूज हो रहा है, सही बात है, कैथोड पर H2SO4 का H+ यूज हो रहा है, उसके लिए H+ हम लोग बात करें तो जीरो होता है और H2O आता है ऊपर, ठीक है सही बात है, H+ यूज हो रहा होगा, तो हम लोग कैसे आंसर दें, आंसर मैं देता हूं रुको, दोनों रिएक्शन लिखो, देखो रिएक्शन ये है क्या, H2SO4 हमें 2 mol H+ देगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 H2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है, और वाटर होगा H2O लिक्विड, वो 2H+ प्लस हाफ O2 गैस रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ऐसा मुझे बोला है,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ इसको फिर ऐसा करेंगे, जैसे मान लो वाटर है ना, अब H2SO4 H+ की फॉर्म में है और सल्फेट आयन की फॉर्म में है। अब सल्फेट आयन तो एज इट इज है और H+ थोड़े कम हो गए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि वाटर के मोल्स थे, मान लीजिए वाटर मोल्स की टर्म में काम करते हैं, मान लीजिए कि ऐसा करते हैं हम लोग, है ना, मान लीजिए 10 मोल्स था ये, और क्या बोले यार इसको, नहीं वैसे बोलेंगे तो भी नहीं जाएगा क्योंकि एक एक मोल ही यूज हो रहा है दोनों का ना, वन मोल मतलब 18 ml। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एक मोल H2SO4 का कम होता है तो एक मोल H2SO4 दो H+ देगा, बताएं ऐसा ही होगा। तो वाटर का कितना मोल कम हुआ, वाटर का भी 1 मोल, बट यहां से तो यार कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक सेकंड रुको मैं ना तुमको देखता हूं एक बार टेबल, वैसे तो मुझे पता है कि यही होगा उसमें। सर वो जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो SO4 2- के साथ रिएक्ट करेगी तो H2SO4 बनेगा ना? नहीं, थर्ड लेक्चर H2O से और H+ मिल रहे हैं ना तो शायद, क्या बोल रहा है, H2O लिक्विड से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मिल भी रही है तो SO4 के साथ। हाँ, सही बात है। जो हमारे यहाँ से H+ निकल रहा है वो सल्फेट के साथ मिलके वापस H2SO4 तो बना लेगा, क्योंकि जितना H+ कम हुआ उतना H+ हमको मिल गया, समझ रहे हो बात को सर? फिर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा ना? अरे तो वाटर तो कम हो ही रहा है ना, वाटर तो कम हो रहा है। हाँ सर, ये तो सॉल्यूट तो कॉन्स्टेंट है बट वाटर तो यूज हो रहा है, वाटर कम हो रहा है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, समझ गए? अब समझ गए, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा यही लास्ट था, और कोई डाउट है? 27th वाला, 27 में देखो क्या बोला है। एसरेशन दीजिए, इफ SRP ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.5 देन रिडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, क्या बोला है, पॉसिबल रिडक्शन सिर्फ बेसिक मीडियम में, ऐसा लिखा है। एसआरपी ऑफ वाटर इज दिस एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज 0 एट न्यूट्रल मीडियम। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर ना, अब ये कैसे निकालेंगे भाई, देखो पहला वाला तो रॉन्ग है, सिर्फ ये रॉन्ग है पहला वाला, क्यों? हमारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो डेटा सिर्फ प्रेशर पर, कॉन्सेंट्रेशन पर, और किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है वो। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.5 वोल्ट आ गया तो रिडक्शन इसका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू डेटा है वो नेगेटिव में,
बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो जो मेरा असर्शन है वो तो रॉन्ग है, बट इन्होंने आंसर फोड़ दिया है। भाई क्या चाह रहे हैं लोग, एसआरपी ऑफ वाटर ठीक है, नेगेटिव में होता है वाटर का एसआरपी क्योंकि हमने ऊपर लिखा है इसको, बट एंड एट रिडक्शन पोटेंशियल इज जीरो, एंड इतने एट एट लगाने का क्या जरूरत है। चलो यार ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, देख के मेरे को भी क्लिक भी नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें तब मुझे बताना इस 27 वाले क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा ना, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के होमवर्क में एक्सरसाइज 3 में लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 3 में ऑफलाइन वाले करने हैं बस, है ना, उसमें हम लोग 23 वाले क्वेश्चन को भी देख लेंगे, अभी क्लिक नहीं कर रहा मेरे को, एक्सरसाइज 3 में ऑफलाइन वाला करना है ना, सिर्फ ऑफलाइन में 30 क्वेश्चन है उनको करके लेके। चलिए हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, हाइड्रोलिसिस खत्म कर दिया था हमने, रिडक्शन खत्म किया था, सॉरी रिडक्शन हमने खत्म कर लिया था लास्ट क्लास में ना, आपको पढ़ाना था ऑक्सीडेशन स्टार्ट करना है सर, ऑक्सीडेशन से हमने पढ़ना है ना। चलिए ऑक्सीडेशन से हम लोग हमारा काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, यही मतलब होता है ऑक्सीडेशन का। या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऐसा तुमने पढ़ा है ना, बट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मैं लिखवाता हूँ, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन की बात करेंगे अभी, तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी चलेगा, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अब कौन सा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव की बात कर रही है, कि जिन दो एटम में एक्सचेंज हो रहा है उनके अंदर कंपैरिजन करो, अगर जाने वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और आने वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर जाने वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव हुआ और जो एड हुआ वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एड हो गया, दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं दोनों की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में, तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला एड हुआ और इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला रिमूव हुआ है तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए ऐसा हो, मैंने यहां पर मेरे पास टॉलुइन था, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने CH2Cl बना दिया, तो मैंने किया क्या, मैंने हाइड्रोजन को हटाया और Cl को ऐड किया, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हटाया या इलेक्ट्रो नेगेटिव को हटाया और ऐड किसको किया, इलेक्ट्रो नेगेटिव ऐड किया, ऐड किया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रो नेगेटिव ऐड किया है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है ना। अब अगेन मैं आगे चल के क्या करता हूँ, फर्दर एक और एच हटा देता हूँ, एक सीएल और ऐड कर देता हूँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा क्या हुआ, ये वाला पार्ट भी, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऐसे ही कुछ इसमें की पॉइंट्स है जिनको हमने याद रखना है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में याद रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास एल्कोहल है RCH2OH, इससे मैंने RCHO बनाया, तो मैंने क्या करा, RCH2OH से RCHO बनाने में क्या रिमूव किया, क्या ऐड किया, सर हाइड्रोजन रिमूव किया है,
हमने दो हाइड्रोजन को रिमूव किया है? हाँ सर। तो यहां से यहां गए तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं, एल्कोहल था उससे मैंने एल्डिहाइड बनाया, अगर मैं इससे यहां आ जाऊं RCOH, तो मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन ऐड किया है। तो यहां से यहां ये वाला पार्ट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो उल्टा होगा मतलब रिडक्शन, और एल्डिहाइड से अल्कोहल पर जाऊं तो ये भी क्या हुआ है, रिडक्शन। तो इसको तुम लोग चाहो तो याद भी रख सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फर्दर और ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है, ठीक है, इसको याद रख सकते हो। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, एक पॉइंट और, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हम लोग कैसे बोलेंगे किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जैसे 4-5 कंपैरिजन में करके बताता हूँ ना, 4 बताता हूँ। एक तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना हो, एक 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना हो, एक 3 डिग्री, डायरेक्टली हमें याद रखने है। तो हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल इजिली ऑक्सीडाइज होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री मोर इजिली ऑक्सीडाइज होगा एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। ऐसे अगर मैं बोलूं एक मेरे को अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है, एक मुझे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, कौन इजिली ऑक्सीडाइज होगा, तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, हाँ यस। अगर हम बोलते हैं RCH2OH और RCD2OH, तो हाइड्रोजन, वहां हाइड्रोजन रिमूव किया था, यहाँ ड्यूटेरियम रिमूव करेंगे, एक में हाइड्रोजन एक में ड्यूटेरियम, तो किसको रिमूव करना आसान है, हाइड्रोजन को या ड्यूटेरियम? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसलिए ये वाला बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, तो ये आसान होगा इसका ऑक्सीडेशन। ऐसे ही RCDO और RCHO में पूछे किसका इजिली ऑक्सीडेशन होता है, तो हम बोलते हैं RCHO, ठीक है। तो ये ऑर्डर है मेरे पास, इनको याद रखें किसका ऑक्सीडेशन का ऑर्डर क्या क्या है, ठीक है। सर आपने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में क्या रीजन बताया, थर्ड वाले में मैंने ऐसा बोला है कि हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है तो उसको रिमूव करना आसान है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन आसान होगा। ओके सर, थैंक यू। देखो हम लोग मेनली मेजरली हम लोग 4 तरह के ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, एक एल्केन्स का, एक एल्किन एल्काइन का एक साथ पढ़ेंगे, फिर एक अल्कोहल का पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स का पढ़ेंगे, ठीक है। 4 ही हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं, तो जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो तो एल्किन एल्काइन और अल्कोहल ही है, बाकी एल्केन्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स तो छोटे भी हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। 1 by 1 इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ रिएजेंट के हेल्प से हम लोग करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विथ KMnO4 या फिर K2Cr2O7, दोनों एक जैसे ही है, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, जनरली Alkanes are not affected by oxidizing agent like KMnO4 or K2Cr2O7, but alkanes having 3-degree hydrogen, but alkanes having 3-degree hydrogen are oxidized by these agents. कैसे होगा, हम बोल रहे हैं कि K2Cr2O7 है, KMnO4 या फिर कोई भी oxidizing agent आते हैं तो generally
सॉरी सिर्फ K2Cr2O7 और KMnO4 की बात कर रहे हैं ना, तो जनरली हमारे एल्कोहल एल्केन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते, बट किसी में 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा। कैसे होगा? लाइक ऐसा हो कुछ, थ्री डिग्री हाइड्रोजन इसको मैंने अलग से बनाया, उसमें मैंने क्या डाला, मान लीजिए KMnO4 डाला या फिर K2Cr2O7 डाला है ना। तो जो 3 डिग्री ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, तो अब ये क्या बन गया, अभी अल्कोहल बन गया। ठीक है, समझ गए? सिर्फ 3 डिग्री वाले से रिएक्ट करेगा ना सर? यस। तो देखो हम लोग पढ़ते भी नहीं है एल्केन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में ज्यादा, क्योंकि एल्केन इतने इजीली ऑक्सीडाइज होते नहीं, तो हमने सिर्फ KMnO4 K2Cr2O7 से देखा कि होंगे नहीं ऑक्सीडाइज, बट कहीं 3 डिग्री मिल जाए हमको हाइड्रोजन तो हम लोग ऐसे अल्कोहल में ऑक्सीडाइज करवा देंगे। फिर भी कुछ एक दो रिएजेंट्स है जिनका रिएक्शन लिखा हुआ मिल जाता है तो उनको मैं अलग से लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये रिएक्शन, तो डायरेक्टली उनको लर्न ही करना है, उनका कोई लॉजिक नहीं है कि ये कैसा हो रहा है क्यों हो रहा है, डायरेक्टली लर्न करना है। तो तीन रिएक्शन में लिख देता हूँ मैं, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। पहला कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन है 528 केल्विन और 1000 एटीएम प्रेशर पर। दूसरा मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन है। थर्ड मैंगनीज का एसीटेट है उसके साथ ऑक्सीडेशन है। तो पहले वाले में क्या होता है, एल्केन ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल पर रुक जाता है, दूसरे वाले में अल्कोहल से भी आगे एल्डिहाइड तक पहुंच जाता है, तीसरे वाले में एल्डिहाइड से भी आगे एसिड तक पहुंच जाता है। तो सिंपली इन तीन रिएक्शन को कुछ नहीं करना, रटना है बस, इसलिए मैंने लिखवा दिए क्योंकि लिखे हैं एनसीईआरटी में भी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन्स, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ध्यान से सुनना मेरी बातें। ऑक्सीडेशन एल्केन वाला क्या करेगा देख के? नहीं सर, लिखने के लिए। अच्छा तू लिखता भी है क्या साथ में? हाँ समझ आता है लिखने के साथ साथ। हाँ सर जल्दी लिख ले, अगर तुम सभी लोग लिख रहे हो तो फिर मैं नोट्स सेंड करना बंद कर देता हूँ आपसे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइन्स, ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पढ़ रहे हैं बेयर्स ऑक्सीडेशन, अलग अलग रिएजेंट के साथ है ना ऑक्सीडेशन। सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग बेयर्स ऑक्सीडेशन। बेयर्स ऑक्सीडेशन में क्या है, इसमें हम लोग पहला तो रिएजेंट की बात करते हैं, रिएजेंट क्या है हमारे पास, कब हम लोगों को पता चलेगा कि ये बेयर्स ऑक्सीडेशन है, रिएजेंट तो पता हो, तो रिएजेंट होता है हमारे पास डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। डाइल्यूट भी होता है, कोल्ड भी होता है, थोड़ा बहुत एल्कलाइन होता है KMnO4। इसका स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा होगा, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा होगा वो देखें, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री इसमें होगा सिन एडिशन, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन है ना, तो किसी का तो एडिशन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एडिशन किसका होगा, एडिशन होगा एल्कोहल का, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं एक टेबल की फॉर्म में तुम्हें बताता हूँ। दो चीजें है हमारे पास, इधर तो मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट, इधर मैं लिख रहा हूं उसका प्रोडक्ट कैसा हमें दिखेगा। रिएक्टेंट क्या हो सकता है, या तो एल्कीन हो सकता है या एल्काइन हो सकता है। तो एल्कीन में देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और सिन एडिशन मतलब सेम साइड से दो OH कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी दो OH, यहाँ पर भी दो OH, दो सॉरी एक एक OH, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ एक एक OH कनेक्ट हो गया। पास पास वाले कार्बन पर दो OH कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
सर क्या सर? उसको बोलते हैं विसिनल डायोल, ठीक है? पास पास वाले दो कार्बन पर OH कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल डायोल, ठीक है? तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर, आ रही है सर। अब ध्यान से सुनो, अब डबल बॉन्ड ब्रेक करना है हमको, है ना, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, तो मुझे एक ही कार्बन पर दो दो OH लगाने होंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर आ रही है। हाँ सर, हाँ रुको यार, मैं बीच में मेरा इशू आ गया, अभी वापस से मैं कनेक्ट हुआ हूँ, अभी रुको, मेरे को होस्ट बनने दो, मैं होस्ट नहीं हूँ, मुझे खुद को स्क्रीन दिख रहा है। बन गया, अब स्क्रीन दिखना बंद हो गया होगा तुम्हें। अभी दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर अभी दिख रहा है। देखो इस ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में क्या होगा, दो बॉन्ड ब्रेक कर एक ही कार्बन पर दो दो OH लगाने होंगे, तो एक ही कार्बन पर दो दो OH आएगा तो क्या बनेगा फाइनली? डबल बॉन्ड जर्मिनल डायोल, जर्मिनल। अरे इतना भारी भारी टर्म्स का नाम मत लो, एक ही कार्बन पर दो OH आएगा, तो एक पर दो OH, दूसरे पर दो OH, तो वो बॉन्ड वाटर निकल जाएगा और डाइकीटोन बन जाएगा, ऐसा? बोलो। हाँ सर, हाँ सर। अब देखो एग्जांपल के लिए मैं एक चीज लिखवा भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए तुम्हारे को ऐसा दिया है और उसमें तुमने डाला एल्कीन था, उसमें तुमने डाला कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, तो सिन एडिशन होगा, मतलब सेम साइड से दो OH कनेक्ट हो जाएंगे, मान लीजिए दोनों वेज और वेज पर कनेक्ट हो गए, समझ रहे हो? हाँ। पहला रिएजेंट था बेयर ऑक्सीडेशन, सेकंड हम लोग बात करते हैं विथ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4, तो इसमें मैं लिख रहा हूं सेम एज बेयर्स ऑक्सीडेशन, ये बेयर ऑक्सीडेशन जैसा ही है, सेम डिटो एकदम, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, बस नाम ही अलग है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएजेंट ही अलग है। थर्ड हमारे पास है विथ परोक्सी एसिड के साथ, जिसको कभी कभी हम लोग पर एसिड भी लिख देते हैं, परोक्सी एसिड के साथ करवाएं तो क्या होगा? परोक्सी एसिड होते क्या है, पहले भी मैंने तुम्हें कभी बताया होगा जब मैंने तुम्हें बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था 11th, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, जो पहला वाला होगा इसको क्या बोलेंगे? परोक्सी एसिटिक एसिड। तो सेकंड वाला होगा इसको क्या बोलेंगे? परोक्सी बेंजोइक एसिड, परोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है? पर एसिड क्या करेगा, जनरली हमको कैसा लिखा हुआ मिलेगा, जनरली हमको परोक्सी एसिड लिख के नहीं देगा, कभी कभी ऐसा भी लिख के दे देगा RCO3H, क्योंकि तीन ऑक्सीजन है ना, इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होगी इसकी, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होगी,
तो स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी अलग है उन दोनों से. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और एल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन के MnO4 में तो सिन एडिशन होता है, इसमें होता है एंटी एडिशन. ठीक है, एंटी एडिशन होता है. कैसे एंटी एडिशन होता है, एग्जांपल बताता हूँ. जैसे मान लीजिए सेम था हमारे पास, ये था एल्कीन, तुमने उसमें डाल दिया RCO3H, तो एल्कीन एंटी एडिशन का मतलब क्या है, OH, दोनों OH अपोजिट साइड से ऐड होंगे. समझे, बोलो. अच्छा एक दो क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, मुझे करके उनके आंसर बताओ, है ना. तीन क्वेश्चन देता हूँ. क्वेश्चन वन, ये है, इसमें क्या डाला है, RCO3H, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा. क्वेश्चन टू, इसमें क्या डाला है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो क्या मिलेगा. क्वेश्चन थ्री, इसमें क्या डाला है, KMnO4 डाला है बेसिक मीडियम में, जो कि डाइल्यूट भी है कोल्ड भी है. प्रोडक्ट बनाइए इन तीनों में. हो गए सर, हो गए. हाँ सर. चलिए पहले वाले में एंटी एडिशन होगा, तो देखो मैं बना के बता देता हूँ. ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, एंड दिस वन इज सिस, है ना. अब एंटी एडिशन होगा, ऐसा करता हूँ पहले मैं बॉक्सेस बना देता हूँ ना ऐसे. अब पहले वाले में एंटी एडिशन होगा, तो इसमें CH3 दोनों अपोजिट साइड पे हैं, बट एडिशन मेरा कैसा हो रहा है, एंटी. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों CH3 को सेम साइड पे ले लेंगे, और एडिशन OH को हो रहा है, तो ऊपर भी OH, नीचे भी OH, ऐसा ही बनेगा. हाँ सर. तो ये क्या बना. अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में तो सीन एडिशन होता है, और CH3 ऑलरेडी अपोजिट साइड पर है, तो उनको अपोजिट ही रहने दो. और इधर H और इधर BH, ठीक है, दोनों साइड में H और H ही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं. और DL मतलब रेस्ट साइड है, तो सेम साइड रहने दो, क्योंकि इसमें सीन एडिशन होता है, ऊपर OH और नीचे OH, तो इसमें क्या बना, मीसो, ऐसा ही बनेगा. हाँ सर. चलिए हम लोगों ने तीन रिएजेंट पढ़ लिए हैं, डाइल्यूट बेयर ऑक्सीडेशन, जिसमें डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन के MnO4 था, एक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, एक पारोक्सी एसिड. द फोर्थ वन इज विथ, एक सेकेंड, आर बेसिक, कौन, KMnO4. कभी कभी KMnO4 नहीं भी गिवन होता है, K2CR2O7 भी गिवन होता है, तो भी चलेगा. एसिडिक हो मीडियम में या फिर बेसिक हो मीडियम में, KMnO4 K2CR2O7 दोनों ही चलेगा. करना क्या होता है मैं बताता हूँ, उसके लिए एक टेबल ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा. इरा. दिख रहा है टेबल प्रॉपर तुम्हें. हाँ सर. ठीक है, ये मेरा टेबल है ना, शीट से स्क्रीनशॉट लिया मैंने.
क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगता है, इसलिए टाइम हमें कम ही लगाना चाहिए हमेशा। ऊपर कुछ लिखा है इसको हटा देता हूँ। चलिए अब देखो, तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है। आ रहा है समझ में? नहीं सर। देखो हमें लिखा लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, KMN ऊपर SDK बोल रहा हूँ बस। हाँ, जैसे हमने लिखा हुआ डबल बॉन्ड CH2 तो प्रोडक्ट मिलेगा CO2, डबल बॉन्ड CHR तो प्रोडक्ट मिलेगा RCOH, डबल बॉन्ड नंबर वन। जैसे मान लीजिए हमारे को ऐसे दिया है RC CR-, अब ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग ही इधर उधर सब कुछ होगा या डबल बॉन्ड के अलोंग इधर उधर? हमने डाला KMnO4H+ के साथ। तो देखो इसको दो ग्रुप्स में ब्रेक करो, एक ग्रुप तो इस ये रहा और एक ग्रुप ये रहा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग ही ग्रुप्स में ब्रेक करेंगे, तो दो ग्रुप्स में ब्रेक किया, एक ग्रुप तो बना ट्रिपल बॉन्ड, एक ग्रुप तो बना मेरा ट्रिपल बॉन्ड सी आर और एक ग्रुप बना ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ऐसा ही बना सर। तो ट्रिपल बॉन्ड सी आर ग्रुप होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है? आर सी ओ ओ एच। तो एक से बनेगा आर सी ओ एच और दूसरे से बनेगा आर डैश सी ओ ओ एच, समझे? हाँ सर। एक और एग्जांपल लेता हूँ, वन मोर एग्जांपल। मान लो ऐसा लिखा हुआ है RCH भी लेना पड़ेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप तो ये है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग ही ब्रेक करेंगे और एक ग्रुप ये है, तो कौन कौन से ग्रुप है? एक तो है डबल बॉन्ड CHR और एक है डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही है? बोलो। हाँ। और उसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, उसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, KMnO4 और H+ के साथ। तो डबल बॉन्ड CHR में क्या मिलता है? RCOOH और डबल बॉन्ड CH2 में CO2, तो ये मेरे प्रोडक्ट मिलेंगे, समझ गए? एक एग्जांपल में तुम्हें दू करने को सर। बताओ भाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2। नहीं देखो मैं एक बार हिंट देता हूँ फिर तुम खुद से करना। 2 मोल CO2। हाँ वो CH2 के जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा और वो ट्रिपल बॉन्ड के जगह पे CO C डबल बॉन्ड O है। करेक्ट करेक्ट। देखो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक तो यहाँ से ब्रेकेज होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक यहाँ से अलग जाएगा और एक ये पूरा अलग रहेगा, टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे ना, समझ रहे हो? तो कैसे बनेगा देखो उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। एक तो डबल बॉन्ड CH2 है, एक ट्रिपल बॉन्ड CH है और एक कौन है? एक ये है CR होगा ना सर, CR। सुनता जा मेरी बात, दिमाग मत लगा गलत बोल रहा है तू।
और एक कुछ ऐसा है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड सी एच टू है, एक ये है और एक सबसे लास्ट में ऐसा है। अब इसमें देखो क्या है, जो ये है ना, ये वाला बॉन्ड किस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में है, डबल बॉन्ड सी आर वन आर टू, और जो ये वाला बॉन्ड है किस फॉर्म में, ये ट्रिपल बॉन्ड सी आर की फॉर्म में, ट्रिपल बॉन्ड सी आर की फॉर्म में, दिख रहा है सर? तो इसमें प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, स्टार्टिंग वाले दोनों से डबल बॉन्ड सी एच टू ट्रिपल बॉन्ड सी एच टू से तो दो मोल सी ओ टू मिल जाएगा, एक उसका और एक सेकंड वाले का। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें यहाँ पर सी आर वन आर टू है तो यहाँ पर कीटोन हो जाएगा, क्योंकि बोला था डबल बॉन्ड सी आर वन आर टू हो तो वहां पर कीटोन बन जाता है। फिर कार्बन सेम रखने, कार्बन घटा बढ़ा मत देना, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये फोर्थ वाला कार्बन है, तो यहां से ही मैं एसिड बनाऊंगा, तो यहां से बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये प्रोडक्ट मिलेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर से तो लास्ट में एसिड बन जाता है ना, वन टू थ्री फोर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लास्ट में ये है ना, यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, ये तो बॉन्ड वैलेंसी फ्री हुई है जो है, ठीक है, समझे क्या? हाँ सर। लास्ट फिफ्थ हमारे पास है विथ ओजोन, ओजोन के साथ इसका ऑक्सीडेशन, जो हम लोग इलेवंथ में भी पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, इलेवंथ में पढ़ चुके हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में ओजोनोलिसिस, ठीक है, वो आप लोग इलेवंथ में भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, दो टेबल ऐड करूंगा यहाँ पर, देखना, एक टेबल तो ये रही, अच्छा एक ही टेबल है, दो कहाँ से, मुझे लगा रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव के अलग अलग टेबल बना रहे, टेबल दिख रहा है सभी को थोड़ा सा और, अभी सही है ना, अच्छा रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले तो कम हो गए, अब देखो इसमें दोनों लिखा हुआ है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के भी प्रोडक्ट लिखे हुए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के भी प्रोडक्ट लिखे हुए। होता क्या है, ओजोनोलिसिस के बारे में हमने पहले बड़ी बातें करी है ना इलेवंथ क्लास में भी, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो है मेरा, उसके प्रोडक्ट देखो कैसे हैं, सेम एज KMnO4 H+। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट देखो, जो KMnO4 H+ वाले प्रोडक्ट है ना, और जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है उसके प्रोडक्ट है, वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दिख रहा है सर? चलिए, अब ये सब कुछ तो मैंने लिखा हुआ है इसमें, अब कुछ एग्जांपल्स तुम्हें करने के लिए देता हूं, तुम मुझे करके बताओ उसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा ओजोनोलिसिस में ही। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, O3 के साथ जिंक और H2O, एग्जांपल नंबर टू में CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, इसमें भी सेम रिएजेंट है, सारे रिडक्टिव वाले कर रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेटिव वाले तो हम लोग कर ही चुके हैं पहले, तो ये तीनों रिडक्टिव वाले, इनमें प्रोडक्ट बताओ, रिडक्टिव के रिएजेंट ही डाले मैंने, सर पहले वाले में सर दो डाइकीटोन मिलेंगे, दो नहीं, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दो या एक? दो, एक। देखो देखो मैं तुम्हारे को एक फंडा बताता हूँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो KMnO4 जैसा ही है जिसको हमने ऊपर सीख लिया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में वैसे ही करो जैसा मैंने तुम्हें पहले सिखाया था इलेवंथ क्लास में, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दोनों साइड ओ ओ लगाना,
डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ओ लगाने वाला फंडा वैसे इधर उससे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड लो C डबल बॉन्ड लो CH3 ठीक है दूसरे वाले में दूसरे वाले में भी तो बताओ CH दो मोल CH3 C डबल बॉन्ड OH ठीक है थर्ड वाले में सर थर्ड वाले में सर HCH और CH3 C डबल बॉन्ड OH देखो मैं बताता हूँ ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है तुमने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके रिडक्टिव ओजोन लिसिस में मैंने तुम्हें क्या बताया था डबल बॉन्ड को ब्रेक करो सिर्फ डबल बॉन्ड को इधर वो लगाओ इधर वो लगाओ डबल बॉन्ड को ब्रेक करो इधर वो इधर हो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो इधर वो इधर हो प्रोडक्ट क्या मिलेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो अभी भी एक सिंगल बॉन्ड बचा इनके बीच में एन सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच ओ और दूसरा प्रोडक्ट भी सेम सी एच थ्री सी एच ओ इसमें एक प्रोडक्ट तो सी एच थ्री सी एच ओ है और एक प्रोडक्ट है सी एच टू ओ मतलब एक्चुअल में एच सी एच ओ बोलते हैं उसको समझे हाँ सर चलिए समझ गए तो एक क्वेश्चन है और देता हूँ क्वेश्चन के एमिनो फोर से रिलेटेड है तो उसके उसकी टेबल को भी मैं दिखा देता हूँ टेबल देख के कर लो वैसे तो टेबल याद होनी चाहिए और टेबल एक बार देख लो ये टेबल है अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिखूंगा दो सिर्फ दो क्वेश्चन लिखूंगा और उनको ध्यान से करना क्वेश्चन नंबर वन इसमें मैंने क्या डाला KMnO4 के साथ H+ डाला तो क्या बनेगा एंड क्वेश्चन नंबर टू इज ऐसा है CH2 इसमें भी मैंने सेम डाला है KMnO4 के साथ H+ तो क्या मिलेगा दोनों करके प्रोडक्ट बताओ फिर देखते हैं आगे क्या करना है एक सेकंड रुको
बताओ भाई हुआ क्या? हाँ सर, सर पहले वाले में सर बेंजोइक एसिड बनेगा और ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। अरे भाई साइक्लोहेक्सेनॉन और ब्यूटेनोइक एसिड। देखो पहले वाले में मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो एक तरफ तो देखो डबल बॉन्ड सी के साथ इधर आर वन है और इधर भी आर टू है। एक्चुअल में आर वन आर टू सेम है तो मैं दोनों को आर आर ही लिख देता हूँ। और एक तरफ क्या है डबल बॉन्ड सी एच आर है, ठीक है ऐसा है कुछ। तो ठीक है हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा कीटोन और एक मिलेगा 1 2 3 4 कार्बन ना, 1 2 3 4 पर। समझ आता है ये वाला? हाँ सर। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में ब्रेक करने के लिए बहुत सारी चीजें ब्रेक करनी पड़ेगी हमको। एक तो ये ब्रेकेज होगा इधर से यूं, एक ये ऊपर अलग जाएगा ये नीचे अलग जाएगा। तो हमको क्या क्या मिल रहा है देखो, हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। हमको एक मिल रहा है ऐसा CO2 मिलेगा R1 R2 डबल बॉन्ड CH, ऐसा एक डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड CHR और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड CHR और एक यहाँ पर भी डबल बॉन्ड CHR। तो देखो एक तो CO2 मिलेगा, ठीक है हाँ सर। देखो और दूसरा एक और स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा मिलेगा, यहाँ पर कीटोन अभी इधर से कनेक्टेड है, फिर ऐसा ये भी एसिड होगा और ये भी एसिड होगा, ऐसे ही बनेगा सर। कार्बन देख लो, कार्बन तो कम नहीं कर दी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है समझ गए। सबसे लास्ट अब फिफ्थ हमारा बचा है, सॉरी सबसे लास्ट नहीं, एल्किन एल्काइन का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना है। ऑक्सीडेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्किन एल्काइन और एल्कोहल। एल्कोहल में क्या है, एल्कोहल में अगेन मेरे पास दो टेबल्स हैं, दो टेबल्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअल में टेबल तो एक ही है वो, बट उसमें चार लोगों के बारे में बातें हो, उनको ऐड कर देता हूँ मैं। एक तो ये वाला टेबल है, है ना, एंड वन मोर, ये सब चीट से ही लिया हुआ है मैंने। ठीक है अब इसमें देखो, ये दूसरे वाले टेबल में कुछ ज्यादा ही बिट कर दिया मैंने। अब देखो इस टेबल के अंदर है क्या, हमें टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। टेबल में है क्या पहले मैं बता देता हूँ ना, टेबल में क्या है। टेबल में देखो टोटल चार लोगों के बारे में बातें करिए, चार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बातें करिए। कौन कौन से चार? पहली चीज तो हम ऑक्सीडेशन एल्कोहल का किस बेसिस पे कर रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, सिर्फ इसी बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल के बेसिस। अब उसको चार तरह से अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने मान लिए, कौन कौन से हैं वो चार, उनको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। चार कौन कौन से हैं, एक तो है ये, कौन, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है ये वेरी स्ट्रॉन्ग और एक है कॉपर। चार लोगों के अंदर हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक और कॉपर। ठीक है अब वीक की कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, वीक की कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वीक की कैटेगरी में एक तो आ रहा है पीसीसी, एक आ रहा है पीडीसी और
और कॉपर आ जाता है तो 1 डिग्री एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कीटोन में, और 3 डिग्री में लिखा है डिहाइड्रेट टू एल्कीन, मतलब डिहाइड्रेट होकर वह एल्कीन में चल जाएगा। अब यहाँ पर सारे नाम तो सुने सुने से लग रहे हैं, एक पीसीसी और पीडीसी को छोड़कर, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज पीसीसी एंड पीडीसी? सबसे पहले बात करते हैं पीसीसी के बारे में। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पेरिडीनियम पेरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, क्लोरो क्रोमेट एक सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पिरिडीनियम तो उसमें कैटायन होता है, तो पिरिडीनियम क्या होगा, पिरिडीनियम कुछ ऐसा होगा, ये पिरिडीनियम आयन है कैटायन, और क्लोरोक्रोमेट मतलब ये एनायन होता है। जिसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी मतलब पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, सीआर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ, सीआर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ माइनस इधर भी ओ माइनस, डाइक्रोमेट है। अब पिरिडीन चाहिए तो पिरिडीन दो चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है ना, तो दो पिरिडीन चाहिए होगा, एक पिरिडीन तो इधर होगा इस नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन में प्लस के साथ यहाँ पर, और एक पिरिडीन इधर होगा। स्ट्रक्चर क्लियर है इनका यहाँ, तो ये पिरिडीन डाइक्रोमेट है, ऊपर वाला पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट है। क्लियर है स्ट्रक्चर? बोलो पढ़ने क्या बोला, 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन, ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल है तो कैसा दिखेगा, ऐसा 3 डिग्री अल्कोहल है तो कैसा दिखेगा, ऐसा मान लेता हूँ 3 डिग्री का मैं बना ही देता हूँ, 3 डिग्री है तो ऐसा दिखेगा। कॉपर के साथ हीट किया है तीनों को ही, कॉपर के साथ हीट, कॉपर के साथ हीट, कॉपर के साथ हीट, पहला वाला क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, कॉपर के साथ ही बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वाटर निकल जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ गए? बोलो बोलो यार। हाँ सर। चलिए नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, पॉइंट क्या है, MnO2 के बारे में बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या, MnO2 इज सेलेक्टिव, इज अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट oxidizes, it oxidizes allylic or benzylic, it oxidizes allylic or benzylic alcohol into aldehyde or ketone, वो depend करेगा, 1 degree alcohol है तो aldehyde होगा, 2 degree है तो ketone होगा, मतलब कैसा, जैसे मान लीजिए हमको दिया फॉर एग्जांपल ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2 CH2 OH। अब इसमें दो तरह के रिएजेंट डाले है ना, मान लीजिए इसमें दो तरह के रिएजेंट डाले, एक बार तो मैंने क्या डाला K2Cr2O7 के साथ H+ डाला, एक बार मैंने MnO2 डाला, तो K2Cr2O7 क्या करेगा, K2Cr2O7 नहीं डालते, फिर वो डबल बॉन्ड का पंगा आएगा, मुझे वो बताना नहीं है अभी। मैंने डाला H2CrO4 क्रोमिक एसिड डाला, तो क्रोमिक एसिड क्या करेगा, क्या करेगा क्रोमिक एसिड, जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है उसको तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और मेरा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में,
1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन का नंबर सेम रखना है। और MnO2 क्या करता है बताओ? बताओ 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 MnO2 क्या करेगा? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? आ रही है सर। तो MnO2 क्या करता है? MnO2 डाला है ना मैंने, तो बेंजाइलिक को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल कैसा है? ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक अल्कोहल है और 2 डिग्री का था, इसलिए उसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। बाकी किसी अल्कोहल को नहीं छेड़ेगा ये, बाकी किसी अल्कोहल को नहीं छेड़ेगा, सिर्फ बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक को ही छेड़ेगा। तो बेंजाइलिक को तो कर, एलाइलिक को तो कर दिया उसने कीटोन में कन्वर्ट, क्यों? क्योंकि वो 2 डिग्री था, बाकी एज इट इज रहेगा। क्रोमिक एसिड क्या करेगा? क्रोमिक एसिड दोनों को कर देगा, क्योंकि हमने दोनों में पढ़ा है उसको। समझ रहे हो? बोलो। हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स, डायल्स का ऑक्सीडेशन सिर्फ एक ही रिएजेंट से करते हैं हम लोग, क्या वो करते हैं पर आयोडिक एसिड से। तो हम लोग बोलते हैं इसमें एक ही रिएजेंट से करते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन बाय एच आई ओ फोर। इस एच आई ओ फोर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था 11th क्लास में बिन चैप्टर के अंदर की पर आयोडिक एसिड या पर क्लोरिक एसिड ये सब नाम कैसे देते हैं। तो क्या काम करता है एच आई ओ फोर के बारे में बात करते हैं। पॉइंट वाइज मैं बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, HIO4 ऑक्सीडाइजेस विसिनल डायोल्स। जो विसिनल डायोल्स होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या सिर्फ विसिनल डायोल्स को ही करेगा? नहीं, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, इट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस अल्फा हाइड्रोक्सी इनटू अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। मतलब कैसे? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, उसके अल्फा वाले कार्बन पर OHO, मतलब हाइड्रोक्सी, ठीक है? या फिर हाइड्रोक्सी वाला कार्बन, जैसे ये कार्बोनिल है उसके अल्फा पोजीशन पर, ये इस पर हाइड्रोक्सी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसको अल्फा डाई कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देती है। लास्ट पॉइंट क्या है? इन साइक्लिक डायोल्स, इन साइक्लिक डायोल्स only cis vicinal diols are oxidized, ठीक है? trans isomers are not oxidized। cis को ही कर पाएगा, trans को नहीं करेगा, वो according to mechanism होता है, mechanism के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। कैसे करना है उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिक। ऑक्सीडाइज करना है, इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं। एक दो एग्जांपल से करवाऊंगा, सब समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा एग्जांपल लिखा है, आर डैश सी, आर डबल डैश, इधर आर, इधर OH और इधर OH। क्या ये विसिनल डायोल है? बोलो। हाँ सर।
हमेशा वही बॉन्ड ब्रेक करना है कार्बन कार्बन का जो विसिनल डायोल वाला पार्ट हो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे क्योंकि यही बॉन्ड विसिनल डायोल है। तो क्या होगा, दोनों तरफ हमको कीटोन बनाना है हाइड्रोजन रिमूव करके, कैसे, ऐसे आर सी आर डैश यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड, हो एच चला गया तो एक कीटोन प्लस एक प्रोडक्ट मिलेगा सी ऊपर आर डबल डैश, इधर आर और इधर दूसरा कीटोन, समझ आया प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हमको ऐसा दिया हो, कैसा, ऐसा सी एच थ्री सी ओ एच इधर ऊपर एच हो, यहाँ पर सी ओ एच इधर ए टी और ऊपर एच हो, और डाला है क्या है एच आई ओ फोर, कैसे करेंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, हमारे को एक प्रोडक्ट तो मिलेगा क्या सी एच थ्री सी ऊपर एच नीचे डबल बॉन्ड हो, प्लस एक प्रोडक्ट मिलेगा सी एच ए टी यहाँ डबल बॉन्ड, दोनों ही प्रोडक्ट मेरे एल्डिहाइड है, समझ रहे हो बात। हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर थ्री, मान लीजिए ये हमको दिया OH और इधर OH, विसिनल डायोल, इसका HIO4 से करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बोलो। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रांस है ना, OH OH दोनों अपोजिट साइड में, ट्रांस वाला नहीं होगा, ऐसा हमने बोला था, ट्रांस आइसोमर आर नॉट मेरा रिंग ब्रेक हो चुका है, रिंग मेरा एच लगा होगा, एक एक एच यहाँ लगा होगा, प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, रिंग ब्रेक हो गया और टोटल मेरा को देखो ऐसा मिलेगा प्रोडक्ट, मैं बना के बता देता हूँ, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सी एच ओ क्योंकि कीटोन तो नहीं बन सकता था क्योंकि एक कार्बन पर एस था दूसरे वाले पर भी एस था, क्या प्रोडक्ट मेरा ऐसा ही मिलेगा। हाँ सर। बोलो। फिफ्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ बताता हूँ, इस वाले में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे मान लो ऐसा हो सी एच थ्री सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच ई टी है ना, इधर भी एच लगाओ, इधर भी एच लगाओ, इधर भी एच लगाओ, अब ब्रेक करना है किसके साथ, एच आई ओ फोर के साथ, तो विसिनल डायोल वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो इसमें दो विसिनल डायोल है तो दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। तो देखो जितनी बार कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है ना उतनी बार ही उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो देखो जो बीच वाला कार्बन है उसके दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए तो उसका कितनी बार ऑक्सीडेशन होगा, दो बार। तो देखो एक प्रोडक्ट तो मिलेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ, एक प्रोडक्ट मिलेगा सी एच ई टी ऐसा H E T डबल बॉन्ड दो। अब जो बीच वाला है वो वैसे तो बनता क्या HCHO है ना, फॉर्मेल्डिहाइड टाइप कुछ बनता, बट उसका दो बार ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बताओ, अल्कोहल था वो, उसको एक बार ऑक्सीडेशन किया तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक बार और ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH बनेगा। तो इस चीज को याद रखना है, ये वाला प्रोडक्ट इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा हम लोग बनाते हैं, समझे। एक और बच्चा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन बाय HCO2, फिर उसके बाद लास्ट में कार्बोनिल कंपाउंड वाला बता दूंगा एक साथ। इसमें हम लोग बोलते हैं SeO2 is a selective oxidizing agent which converts CH2
ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप इनटू सी डबल बॉन्ड ओ। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? बोलो, ये बोलना चाह रहा है ऐसे CH2 ग्रुप को ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर देगा जो कार्बोनिल के बगल में हो। मतलब ऐसा CH2 ग्रुप होना चाहिए जो कार्बोनिल के ऑलरेडी बगल में हो, अगर उसमें सेलेनियम ऑक्साइड डाला है तो उसको सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। अगर कहीं ऐसा लिखा हो CH3, तो इसको मानो CH2 then H। मतलब इस ग्रुप को कैसे एज्यूम करो, जैसे मैं प्रोडक्ट बना के बता देता हूँ, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर सी एच टू मानोगे तो उसका डबल बॉन्ड हो और एक एच अलग रह जाएगा। समझे? चलिए अब हमारे पास लास्ट बचा है कौन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, टॉलिन से, फैलिन से और शिफ से, तीन हो रहे हैं। हा। तो बताते हैं फिर लास्ट ऑक्सीडेशन में, लास्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ही लिख देता हूं मैं। देखो ऑक्सीडेशन में हमने मेजरली चार ही पढ़े, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एल्कोहल और कार्डिहाइड कीटोन, बस इन्हीं का ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना। वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विथ KMnO4 के साथ H प्लस और K2Cr2O7 के साथ H प्लस आए, तो कैसे हम लोग करवाएंगे? ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, एल्डिहाइड एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। ये चीज तो हमने पहले भी बात करी है, बट ठीक है वापस से लिखे कि एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विथ डिफिकल्टी, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विथ डिफिकल्टी बट they are oxidized on heating with strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent आएगा तो वो oxidize हो जाएंगे कीटोन। ठीक है, कैसे oxidize होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। mixture of carboxylic acid बनाएगा, कैसे बनाएगा उसको भी मैं बताऊंगा। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं सारे। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रिमेन विथ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग देखते हैं। तीन एग्जाम्पल बताऊंगा उनसे फंडा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर वन, अगर हमारे सामने आर सी एच ओ आ जाए और उसमें तुमने के एम एन ओ फोर डाला एच प्लस के साथ, तो क्या होगा?
क्या होगा बताओ, RCOOH बन जाएगा सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल नंबर टू, मान लीजिए तुम्हारे पास कीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड, इसमें तुमने KMnO4 के साथ H प्लस डाला है और हीट भी कर दिया है क्योंकि कीटोन है ना, ऑक्सीडाइज इजीली होगा नहीं। पहले तो मुझे बताओ ये वाला कीटोन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन है तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ रख दो क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो मान लिया मैं इनको साथ रख देता हूँ और एक इसको अलग, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक तो दो कार्बन का बनेगा क्योंकि एक साइड में दो कार्बन गए थे तो CH3COH, और एक एक कार्बन का क्योंकि एक साइड एक कार्बन गया था तो HCOH। एग्जाम्पल नंबर थ्री, अनसिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH2CH2CH3, KMnO4 के साथ H प्लस डाला है और हीट किया है, तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसके साथ जाएगा? CH3 के साथ। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा तो स्मॉलर के साथ जाएगा ये, और बड़े वाले के साथ जाएंगे ये सारे एल्काइल। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सी डबल बॉन्ड ऊपर स्टार लगा देता हूँ, मतलब कोई आइसोटोप है। दो एसिड बनेंगे, एक तो दो कार्बन का, तो एक तो बनेगा दो कार्बन में CH3COH, उस पर स्टार है, और एक बनेगा तीन कार्बन का, मतलब CH3CH2COOH। समझ गया प्रोडक्ट कैसे बनाना है? यस सर। तो ये था फर्स्ट विथ KMnO4 के साथ H प्लस और K2CR2O7 के साथ O2। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है दो तीन रिएजेंट और वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तुमने कभी नाम सुना है टॉलेन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट, इनका? टॉलेन रिएजेंट सुना है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें विथ टॉलेंस रिएजेंट, है ना? टॉलेन रिएजेंट क्या करता है? तो टॉलेन रिएजेंट, पहले तो बात करो टॉलेन रिएजेंट होता है भी क्या है, ये तो पता हो। तो टॉलेन रिएजेंट में हम लोग बोलते हैं, तो टॉलेन रिएजेंट क्या होता है? ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब ऐसा कुछ होता है, AgNH3 होल ट्वाइस, पर पॉजिटिव चार्ज होगा इसलिए बाहर है NO3 माइनस, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है सिल्वर नाइट्रेट वो अमोनिकल है, मतलब प्लस NH4OH। ये मेरा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सेकंड पॉइंट, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, है ना? तो हम बोलते हैं एल्डिहाइड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। ये सारे एल्डिहाइड होंगे? नहीं, एक्सेप्ट CHO। क्यों? इसमें हम लोग बोलते हैं दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO। एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं और वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चले जाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं ना, कार्बोनिल कंपाउंड, बट CHO CO2 में जाता है। एक पॉइंट और लिख देता हूँ जिसको हम तुम लोग याद रख सकते हो, वैसे तो यहां से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। क्या? फॉर्मिक एसिड HCOOH, हाँ यस, एक्सेप्ट HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने बोला तो सही होगा, लिखा नहीं, एक्सेप्ट HCHO, फॉर्मिक एसिड HCOH ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी मेरा ये वाला टेस्ट देते हैं। टेस्ट का रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, RCHO आएगा। क्या तुमने कभी स्कूल में किया ये टेस्ट? कोई स्कूल है किसी का? रईस स्कूल है, रईस, क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में ही करा सकते हैं ऐसा टेस्ट, छोटे स्कूल में तो नहीं होगा क्योंकि सिल्वर आ रहा है ना टेस्ट में तो महंगा रिएजेंट आएगा। किसी के स्कूल में किया है? किसी ने 11th क्लास में करवाते थे? बोलो भाई,
क्या सर लैब एक्सपेरिमेंट? Alkaline solution of copper 2+ iron with tartarate iron. जो tartaric acid होगा, tartaric acid से H+ हटाना और उसकी जगह copper 2+ लग जाना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? Tartarate Fehling solution. Fehling solution क्या करता है? RCHO होता है, उसमें copper 2+ होता है ना Fehling solution में. तो क्या होगा? RCO minus होगा और copper 2+ reduce हो जाएगा किसमें? कॉपर प्लस में, या फिर कहीं कहीं पे CU2O भी लिखा होता है. इसका एक पीपीटी आएगा जो कि एक तरह से रेड पीपीटी होता है. तो रेड पीपीटी आता है तो हम बोलते हैं हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है और हमारा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में. लास्ट हमारे पास फोर्थ है विथ शिफ्ट रिएजेंट. शिफ्ट रिएजेंट का स्ट्रक्चर तो मैं बना नहीं रहा क्योंकि बहुत बड़ा भयानक का स्ट्रक्चर होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. बट एक्चुअल में होता क्या है शिफ्ट रिएजेंट? शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है? पिंक कलर का होता है ना. हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक शिफ्ट रिएजेंट होता है जो एक्चुअल में पिंक कलर का होता है. अगर उसमें से तुमने SO2 गैस डाल दी, SO2 गैस पास कर दी शिफ्ट रिएजेंट में से, तो जो मेरा SR है मतलब शिफ्ट रिएजेंट है, वो कैसा हो जाता है? वो कलरलेस हो जाता है. बट अब उस कलरलेस शिफ्ट रिएजेंट को तुमने RCHO में से पास कर दिया तो RCO माइनस बन जाता है और जो मेरा SR होता है शिफ्ट रिएजेंट, वो वापस पिंक कलर का हो जाता है. मतलब हम बोलते हैं शिफ्ट रिएजेंट इज डीकलराइज्ड बाय पासिंग SO2 गैस एंड एल्डिहाइड रिस्टोर्स द पिंक कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट. तो इस बात को मैं लिख भी देता हूं. क्या इसको मैं लिख देता हूं? शिफ्ट रिएजेंट इज डीकलराइज्ड, इज डीकलराइज्ड बाय पासिंग SO2 and aldehyde restores the pink color of SR, मतलब shift region. ठीक है, चलो हमारा chapter खत्म हुआ. एक point और लिख देता हूँ note डाल के, फिर chapter मेरा खत्म. हम बोलते हैं ketones are not easy to oxidize. Ketones are not easy to oxidize, so they do not give these tests. मतलब ऊपर वाले जो तीन टेस्ट पढ़े ना हमने, शिफ्ट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेन वाला, ये तीनों कीटोन नहीं देते. क्यों नहीं देते? क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, सिर्फ एल्डिहाइड के टेस्ट थे तो हमने पढ़े. तो मेरा चैप्टर इधर खत्म हो गया पूरा. तो हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा? कल ले क्या? चलो ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ORM 3 पढ़ेंगे, देन ORM 4 पढ़ेंगे. पहले ORM 3 4 को खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे. होमवर्क क्या है? मैंने होमवर्क तो दे ही दिया है तुम्हें.